प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है और इस समय पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को स्वीकार कर चुकी है। लोग इस वक्त अपने छतों से, अपने घरों से आली बजाकर, शंख बजाकर और अन्य अन्य तरीकों से इसका अभिवादन कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन के तौर पर इस प्रधानमंत्री के अभिवादन को स्वीकार कर चुकी है और इस समय सबसे बड़ी बात है कि आप सुन सकते हैं शंखनाद की आवाज़, लोगों के तालियों की आवाज़, गड़गड़ाहट पूरी सुनाई दे रही है और यह शंखनाद यह कहता है कि हमारे हिंदुस्तान से कोरोना वायरस को नेस्तनाबूद कर देंगे। हालांकि सरकार ने पूरी तरीके से इस पर लगाम कस चुकी है। सरकार ने जनता कर्फ्यू को इस समय अभी फिलहाल कल सुबह 5 बजे तक के लिए जारी कर दिया है और पूरे देश की सभी ट्रेनों को और मेट्रो सेवाओं को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जनता कर्फ्यू का जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, सभी सड़कों पर करीब करीब लखनऊ की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा और लोग अपने घरों में रह कर के अलग अलग तरीके से इस कर्फ्यू को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल सही बात यह कही जाएगी कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान से ही हारेगा।